नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ है एक और त्रिशूल का फेदर, एक और त्रिशूल का सिलेक्शन, एक और आप सबके सामने अग्निवीर चंदन सरोज, जो भारतीय वायुसेना अग्निवीर के रूप में 27 जून को ज्वाइन कर रहा है। चंदन, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत 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 मुबारक हो। चंदन प्रतापगढ़ का रहने वाला है और चंदन ने बहुत मेहनत की है इस मुकाम को हासिल करने में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगली आवाज़ आप चंदन की सुनेंगे जब मैं उनसे सवाल पूछूंगा और वो हमारे व्यूअर्स को आंसर देंगे। तो चंदन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको भी और पूरी टीम को भी, बहुत सारी हेल्प हुई हमारी चंदन जी टीम में। जी सर। और सर, कैसा फील हो रहा है पहले? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि पहली बार कोई जॉब मिली है। अच्छा, तो डिफेंस की है तो। चंदन, घर में कोई तुम्हारे फौज में, या यूं कह लें कि पिताजी के साइड में, माताजी के साइड में कोई फौज में? नहीं सर, मैं पहला इंसान हूँ फौज में। तुम पहले इंसान? जी सर। अच्छा। अपने गांव से भी। जी सर। कौन सा गांव है तुम्हारा? सर, मेरा गांव है प्रतापगढ़ में, दुबान का पुरवा। अच्छा जी सर। ये किस तरफ पड़ता है? सर, ये कुंडा के पास पड़ता है, कुंडा प्रतापगढ़ के पास पड़ता है। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पिताजी वर्कर हैं, बस लेबर हैं बस सर। अच्छा जी, लेबर हैं। चंदन, कैसे सोचा भारतीय वायुसेना का सपना? मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा मध्य वर्ग परिवार तो नहीं है तुम्हारा, है ना? लोअर मिडिल क्लास से हम लोग आते हैं सर। लोअर मिडिल क्लास से, तो एयरफोर्स का सपना कैसे देखा, कैसे सोचा, कैसे अग्निवीर बनने का सोचा? सर, जब हम 12th में थे हम लोग, तो तभी सोच लिए थे कि एयरफोर्स करना है, लेकिन एक्स ग्रुप का सोचे थे, तो उस टाइम पे वैकेंसी आती नहीं थी, वो रिजल्ट दे ही नहीं रहे थे 2021 वाला। जी सर। उसके बाद वैकेंसी नहीं आ रही थी तो छोड़ दिए थे, एक्स ग्रुप का छोड़ दिए थे। फिर SSC में आ गए थे हम लोग। अच्छा जी सर। फिर SSC में आ गए थे तो इस बीच वैकेंसी आई थी एयरफोर्स की, जो कि अग्निवीर के रूप में आई थी। तो यहाँ पे रोकूंगा मैं तुम्हें। अग्निवीर की जब भर्ती आई तो एक तरफ पूरा देश चल रहा था, लोग बड़ा आक्रोश दिखा रहे थे, लोग बड़ा इरिटेशंस दिखा रहे थे, स्टूडेंट्स सड़क पे आ गए थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। तो तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग आई थी अग्निवीर को लेकर के? सर, मुझे थोड़ा सा लगा था ये बात कि अग्निवीर तो आया है, लेकिन इससे जो 4 साल का होगा तो काफ़ी जो मतलब लोग जिनका नहीं हो रहा है उनका भी होगा, क्योंकि जो 4 साल बाद आएंगे तो एक्स्ट्रा वैकेंसी हर 4 साल में आएगी, तो जब पद खाली होंगे तो बाकी लोग को भी मौका मिलेगा। तो तुमने, कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपने, चंदन ने, सरोज ने, चंदन सरोज ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स, नितेश का भी मैंने हाल ही में इंटरव्यू लिया था, इन सारे स्टूडेंट्स ने अग्निवीर का पॉजिटिव साइड देखा। और डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं भी आपसे दरखास्त करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पॉजिटिव साइड देखिए, नेगेटिव साइड मत देखिए। मुझे याद है नितेश ने बोला था, सर मैं ये क्यों सोच लूं कि मैं 75% में हूँ और मैं अलग हो रहा हूँ, मैं ये क्यों ना सोचूं कि मैं 25% हूँ और अगले 20 साल भारतीय वायुसेना में एयरमैन के रूप में काम कर रहा हूँ। चलिए, अब मैं चंदन से थोड़े टेक्निकल सवाल पूछता हूँ और पूछता हूँ कि चंदन की त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने कैसे मदद की। चंदन सर, जैसे कर्नल दत्ता सर भी हैं, काफ़ी मदद की उन्होंने उसको लेकर, सिचुएशन ले। जी सर, जी सर, SRT को लेकर और GT के लिए सोनाली मैम ने काफ़ी अच्छा सब कुछ प्रोवाइड कराया, PDF वगैरह सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा से हमारा मदद हुआ यहाँ पे और काफ़ी अच्छा भी रिजल्ट भी आया। चंदन, तुम्हें याद होगा तुम्हारे बैच से 7 लोगों का हुआ था अग्निवीर में, जिसमें से नितेश का मैंने इंटरव्यू लिया था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ परंपरा यह है कि जो बंदा फाइनली सेलेक्ट हो जाता है, जो फाइनली फौज ज्वाइन कर रहा होता है, उसको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी घड़ी देती है। ये परंपरा मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने चालू की थी और उन्होंने ये कहा था कि इनको घड़ी देने का मतलब ये है कि ऐसे बच्चों ने समय का सदुपयोग किया है। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं चंदन को घड़ी पहना रहा हूँ। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि पूरे बैच में से बहुत ही सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इतनी मेहनत की। आपने अभी सुना कि चंदन के फादर लेबर हैं और उसके बावजूद लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उसके बावजूद इस बच्चे ने सपना देखा, सपने के लिए मेहनत की, बहुत मेहनत की, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मैं कैमरे से देखता था। चंदन, कितने घंटे क्लास चलती थी?
सर 4-5 घंटे, कभी कभी तो सुबह हो तो खाना भूख लग जाती थी सर, इतना चलता था क्लास, इतना चलता था जी। तो एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। देखिए, जब तक खुद से एफर्ट्स नहीं मारेंगे, जब तक खुद से डेडिकेशन नहीं होगा, डिटर्मिनेशन नहीं होगा, तो ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। और चंदन सरोज आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। चलिए चंदन को जरा घड़ी पहना देते हैं। चंदन, पहले तो ये लो भाई, हमारे दर्शकों को दिखाओ, ये घड़ी है, ये रही घड़ी। चलिए अब ये घड़ी चंदन को मैं पहना रहा हूँ, तो ये रहा घड़ी। डिफेंस एस्पिरेंट्स व्यूअर्स, चंदन ये रहा इसका गारंटी कार्ड, अगर तुम्हें बेलगांव में ज़रूरत पड़ेगी तो टाटा की दुकान पे जाके बदल लेना। ये रही चंदन की घड़ी, ये मामूली घड़ी नहीं है, ये घड़ी जो है वो वाटर प्रूफ है, क्योंकि हमें ये पता है कि अब चंदन की ट्रेनिंग में इनको स्विमिंग भी करनी होगी, इनको रगड़ा भी अच्छा खासा मिलेगा, इस हिसाब से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने ये घड़ी ली है। चंदन ये तुम्हारी उपलब्धि है, ये तुम्हारी घड़ी, लाओ भाई इसको साइड में रख देते हैं, जरा डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये लो, जरा पहना के लोगों को दिखाना। और जी सर, हमारे कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी फोटो भी खींच लें ताकि बच्चों को इंस्पिरेशन मिले। दिखाओ जरा ऐसे करके, हाँ ये रही भाई चंदन की घड़ी, ये इसकी उपलब्धि, ये इसका अचीवमेंट है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चंदन ने कर दिखाया है, चंदन ने एक 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 जिद थी इसके अंदर, पहले इसने वीडियो नहीं बनाई थी, मैं आपको बताऊं, चंदन सच बोल रहा हूँ, पहले इसने वीडियो नहीं बनाई, इसने कहा सर एक बार में लास्ट में वीडियो बनाएंगे जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब मैं आपसे घड़ी लूँगा। और कल सुबह की गाड़ी से ये वापस जा रहा है, आज दोपहर में आया है, रात 8 बजे हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू हमारे कैमरामैन को, क्योंकि सब लोग चंदन का वेट कर रहे थे। और डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये जीता जागता एक एग्जाम्पल है, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसने कड़ी मेहनत से, कड़ी डेडिकेशन से कर दिखाया जो इसका लक्ष्य था। ऐसे स्टूडेंट्स को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का सल्यूट, ऐसे स्टूडेंट्स को भगवान भी मदद करते हैं जो खुद पे, जिद पे अड़ जाते हैं। चंदन जाते जाते एक सवाल तुमसे पूछूंगा कि ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, वैसे तो ये सर तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा। क्योंकि पहले का मेरा रिजल्ट आया नहीं था। अच्छा। और दूसरे में मेरा 7 नंबर से रह गया था। अच्छा। और ये तीसरा मेरा। तीसरे में एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कौन सा था? सर 7ASC था बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु। जी सर, 7ASC बेंगलुरु, ठीक। कितने स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया था? सर 200 किए थे, 200 रिपोर्ट। और फाइनल स्टेज 3 तक पहुँचते पहुँचते, मतलब ग्रुप डिस्कशन तक पहुँचते पहुँचते कितने रह गए? सर मेरे बैच में जो पढ़े थे 50 मेरे, मतलब कि बैच वाइज वो लोग वहाँ से 200 को बांट दिए थे, एक अच्छा। ही दिन वाला 200 को, एक ही दिन जी सर। तो उसमें 50 में से 36 लोग मतलब क्वालिफाई हुए थे रेस में, उसके बाद इतने हो गए थे सर, और 28 शायद हो चुके थे, जीडी क्लियर किए थे 28 लोग जीडी क्लियर किया था। चलो चंदन, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि कैसे अब वो तैयारी करें आने वाले अग्निवीर पेपर की? सर सभी से मेरी यही वो है सलाह है कि, तो सबको मेरी यही सलाह है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट वगैरह है, पहले आप सिलेबस देख लीजिए। अगर बिगिनर हैं आप तो पहले सिलेबस देखिए, सारा सिलेबस कवर कीजिए पूरा, उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर तो छोड़िए मत, क्योंकि उसी से सारा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर से ही अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आता है। और मैं प्रेफर करूँगा टेस्ट बुक को, मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुछ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लिए आखिरी शब्द? सर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये स्टडी के लिए, खासकर डिफेंस के लिए। कर्नल दत्ता सर, सोनाली मैम, जीडी के लिए मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स ये थे चंदन सरोज, अब क्योंकि ये वर्दी पहन लेंगे इसके बाद, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, फ़ौज के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि ये कोई वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये आखिरी वीडियो थी चंदन सरोज की, जिसमें उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए कुछ फाइनल टिप्स दिए हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ आप सीखें। और याद रखें, जब एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, जिसको बहुत सुविधाएँ नहीं थी, जिसके पिताजी लेबर थे, प्रतापगढ़ से कितना दूर गाँव है सर? 40 किलोमीटर के आसपास। 40 किलोमीटर गाँव था,
इसने मेहनत की, एक यूपी बोर्ड का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा जब ये कर सकता है तो आप लोग भी यकीन रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको वर्दी दिलाएगा। वादा करते हैं मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करोगे तो नेक्स्ट चंदन सरोज आप होगे, मेरे बगल में बैठे होगे। चंदन ज़रा घड़ी दिखा दो एक बार फिर। चलो जी, इसके साथ ही जय हिंद, थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।